एनएसयूआई का प्रदेश सरकार पर हल्ला बोल हुआ प्रारंभ। पूरे प्रदेश सहित रीवा में भी शिवराज सरकार का पुतला फूका। कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। रीवा में कॉलेज चौराहे के पास छात्रों ने पहले फूका पुतला। एनयूएसआई का प्रदेश सरकार पर हल्ला बोल हुआ प्रारंभ। पूरे प्रदेश सहित रीवा में भी शिवराज सरकार का पुतला फूका। कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। रीवा में कॉलेज चौराहे के पास छात्रों ने पहले फूका पुतला। छात्रों का साफ तौर से कहना, सबके चुनाव हो, फिर चाहे वो पंच का हो, सरपंच का हो, जिला पंचायत का हो, साथ ही पार्षदों का हो, महापौर का हो, सबके चुनाव हो गए। अगर किसी का चुनाव नहीं हुआ है तो वो है छात्रों का। छात्र चाहते हैं जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी है, ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी चुनाव कराने की घोषणा कर दी। छात्रों ने इसके चलते शिवराज सरकार का कॉलेज चौराहे पर पुतला फूंका। उसके बाद रैली की शक्ल में पहुंच गए रीवा के कमिश्नर कार्यालय, ज्ञापन सौंपकर चुनाव कराने की मांग कर डाली। एनयूएसआई के छात्र छात्राएं चाहते हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्ष 2017 में छात्र संघ का चुनाव कराए। उसके बाद से आज तक छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया। छात्र संघ चुनाव में जो छात्र निर्वाचित होते हैं उनके लिए ये एक बड़े गौरव की बात होती है। आगे चलती वो इस फील्ड में अपना कैरियर भी बना। छात्र संघ चुनाव का आयोजन ना कराए जाने की वजह से महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास कोई भी नेतृत्व नहीं थी। जैसा कि आज की तारीख में देखा जा सकता है, किसी भी तरीके का कोई भी पूरे प्रदेश में छात्र नेता आपको नजर नहीं आए। छात्र साफ तौर से चाहते हैं अगर चुनाव हो तो उनके बीच में कोई उनकी बात करने वाला, उनके हक की लड़ाई लड़ने वाला मौजूद रहेगा। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी युवा नेतृत्व वर्तमान में नहीं है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ छात्र संघ का चुनाव कराया जा रहा है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया जा रहा। इससे साफ प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार के द्वारा उभरती युवा प्रतिभा को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराया जाए, जिससे प्रतिभावान छात्र नेताओं को नेतृत्व करने का मौका मिले, छात्र छात्राओं की आवाज बुलंद हो। आज की तारीख में छात्रों के हित की लड़ाई लड़ने वाला कोई भी युवा नेतृत्व मौजूद नहीं। हम चाहते हैं कि चुनाव हो, सरकार चुनाव कराए। चुनाव कराने से युवाओं में नेतृत्व की भावना विकसित होगी, नए नेता तैयार होंगे जो अपने छात्रों, अपने लोगों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। साफ तौर पर माना जा सकता है छात्र ये चाहते हैं कि उनके कॉलेज में अब तत्काल चुनाव कराया जाए, उनको भी नेतृत्व बनने का मौका मिले, नेतृत्व करने का मौका मिले, अपने छात्रों की आवाज़ उठाने का मौका मिले। हमने कुछ छात्रों से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव को बहाल कर दिया है। शिवराज सरकार लगातार छात्र कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव को, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कोई छात्र नेता हमारे खिलाफ उंगली उठाए, विरोध करे। हम सब चाहते हैं कि हम छात्रों को भी अपने छात्र नेतृत्व और उसकी समिति और उसका नेतृत्वकर्ता होना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकें। लगातार NSUI मांग करती रही, आज पूरे प्रदेश भर में शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर मांग रखी जा रही है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। इसी तारतम्य में हमने पुतला दहन करके मांग रखी है कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, ताकि हम लोग भी अपना प्रतिनिधि चुन सके। हर चुनाव हो गए, अपने अपने स्तर के सभी प्रतिनिधियों का चुनाव हो गया, हम छात्रों को भी नया प्रतिनिधि मिले, इसलिए छात्र संघ मांगे अगर पूरी नहीं होती जब चुनाव नहीं होते। इसके बाद हमारे NSUI प्रदेश अध्यक्ष जो भी प्रदेश के मुखिया निर्णय लेंगे, चरणबद्ध आंदोलन होगी, यूनिवर्सिटियाँ बंद होगी, सड़क जाम, बहुत सारे अनुबंध जो आंदोलन, उसके लिए हम लोग काम करेंगे।